हम लोग ने ये धैर्य के साथ और स्नेह के साथ आपने सुना इस मोहब्बत के साथ, बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष जी। और सच में पूरे धैर्य पूरे मन से पूरे मनोयोग से इस मंच की ओर से हम आभार आप सबका प्रकट करते हैं कि अगर आप नहीं होते तो इस तरह से न शायद सुना जाता, न सराहा जाता, न समझा जाता। तो यह भारी आप सबका आभारी है। नहीं, हकीकत है कि सिर्फ काल मंत्री और सम्मेलनों में नहीं बुलवाए जाते, रोलर प्ले हो जाता है तो चलवाए। चलिए एक लाइन का नोट से कुछ नतीजों की बात है। मैं बेहद अर्पिता और सम्मान के साथ सौरभ पांडे जी से आग्रह कर रहा हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आदरणीय सौरभ जी, परंपराओं की बात होती है फिर गजल की बात होती है, और गजल के इस आंगन में हमने परंपराओं की बात की है। और जो कल जहाँ मैं बंद हुआ था वहीं से फिर से खुल रहा हूँ कि आपस में धन्यवाद प्रस्ताव का जो एक अंदाज बना है, जो एक परंपरा बनी है, हम उसे निभाते हैं सिर्फ इसलिए छोटे सम्मान बनाए रखें और भद्र स्नेह दर्शाते। जो कल हमने कहा फिर वही कहूंगा कि धन्यवाद इसका किसके लिए, अगर यह परिवार है तो परिवार में सभी सदस्यों का मिलजुल करके किसी कार्यक्रम को करना ठीक उसी तरह से है जैसे कोई बिरवा लगाना, उसको बढ़ता हुआ देखना और उसकी छाया में फिर से आना। आज प्रारंभ हुआ कुछ विसंगतियों से जिन अतिथियों को आना था कई कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन यही एक परिवार की मजबूती आपस में यह जो अटूट संबंध है, प्रेम है। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा जी की सरपरस्ती में उनकी उनके आशीर्वचनों के नीचे मेरे आत्मीय अमिताभ राय जी धूमकेतु की तरह हमारे बीच में बैठ बना चुके, लेकिन जाने वाले नहीं बैठने वाले ग्रह की तरह है जिससे हम आशान्वित है। और आगे आने वाले दिनों में कुछ और आपके सहयोग और आपकी सफलता की अपेक्षा रखते हैं भाई वीरेंद्र जी। कहना भाई साहब जो मेरे लिए जाति तौर पर बड़े भाई हैं, जब उस सत्र को समझा सुना और जाना गया तो कभी कभी यह लगता है क्यों ऐसा होता है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है। हो सकता है जिस ढंग से उस सत्र का संचालन होना था उसमें जो बिंदु आने थे वो और हमें समृद्ध करते, लेकिन हमारे अपने बीच में जो भाई हैं, जो हमारे आत्मीय हैं और जो उनके बीच में ज्ञान की वो सुर सोता बह रही है, उस सोता के कारण जो कुछ हमें जानने को आज मिला वो हमें और समृद्ध किया है। और गजल कैसे होती रहेगी इसकी जो अपेक्षा है आज बलवती हुई है। हिंदी गजल के ऊपर में अमिताभ भाई साहब ने जो कहा कि यह एक प्रवृत्ति है, शब्दों का खेल बाघ को कुमन करने से अगर हिंदी गजल होनी होती तो अभी तक हम भी किसी हिंदी नीर या हिंदी अकाली को सुनते होते। यह एक प्रवृत्ति है जब हम तुलसी से, जब हम आंगन से, जब हम बरगद से बात करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं, हम उस हवा से बात करते हैं जिससे हम समझ होते हैं, जो हमारे फेफड़ों में बहती है, धमनियों में रक्त की तरह बहती है, उस शैली से बात करते हैं। उसके बाद धीरेन्द्र भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उसमें तीन
और मैं भूल नहीं सकता इनके जो गजल में नहीं है वो कहा जा रहा है, जो है वो नहीं कहा जा रहा है, और कुछ ऐसी भी बातें जिन्हें नहीं करनी चाहिए वो अवश्य आ गई है उन्हें। इन तीन बिंदुओं पर जिस तरह से आज इन्होंने कुछ बातें कही और जिस न सिर्फ दिलेरी से कही, जिस ताकत से कही, हमें मालूम है कि हिंदी गजल इस ताकत को समझे। वो सब नहीं हिंदी गजल के ऊपर था, इसलिए मैं इतनी बातें कर रहा हूँ। उसके बाद फिर तंदोबेजार के ऊपर मैं कुछ जानकारियां लेकर बैठा था, और उस जानकारी पर राजेश कुमार ने जब लिएगा, मैंने वो भी कुछ बातें कही हैं और आज मैं उनकी बात को कुछ आगे बढ़ा रहा हूँ। गजल ही जो व्यक्ति की भी बातें आज हुई, उनका भूतकाल क्या है जो जानते हैं उनसे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और जो नहीं जानते हैं अच्छा है नहीं। बहुत बढ़िया। लेकिन संज्ञाओं से इतिहास नहीं बदलता, लेकिन संज्ञाओं से वर्तमान अवश्य बदलता है। हमने संज्ञाओं को नया रूप दिया है, और अगर गजल को हम गजल कह रहे हैं, व्यक्ति को हम व्यक्ति कह रहे हैं, हिजो को हम हजो या जो कुछ कह रहे हैं, तो इसके पीछे जो मर्म है अब उसको समझा जाए, समझा जाना चाहिए। और उस मर्म के अनुसार अगर आज हमारे कहने में नयापन आ रहा है, उस नएपन का हर घड़ी स्वागत है, हर समय उसका इस्तकबाल है, हम उसे सिर झुकाकर स्वीकार। उसके बाद नशिस्त, और ये नशिस्त या मुशायरा जो भी नाम दे, ये वस्तुतः संवाद है। और जिस ढंग से आज श्लेष भाई ने, हम भाई को कहें तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे भाई अनुज हैं, तो अनुज को जिस युगों में सुनता रहा हूँ, ये जितने आसानी से 10,000 लोगों के बीच में बोलते हैं उतनी आसानी 10 लोगों के बीच में बोलते हैं, और ये पता नहीं होने देते कि 10 लोगों को कैसा लग रहा है और 10,000 लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इनकी काबिलियत है, और जिस परंपरा से आप आते हैं, यश भाई जिस परंपरा से आते हैं, उसमें यह शुमार है उनकी आदतों में कि हम किस तरह से संवाद स्थापित कर लें कि सुनने वाला उतनी समृद्ध भी हो, आशान्वित भी हो, इसको कल का दिन कुछ और बेहतर होगा। लेकिन जिस संचालक से आज मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, जिसको मैं सुनता रहा हूँ पिछले 6 सालों से, नंद हितैषी साहब, उन्होंने आज बहुत सी ऐसी ऐसी बातें कही कहने के क्रम में, न सिर्फ उन्होंने दो वक्ताओं को एक दूसरे से जोड़ा, कुछ ऐसी बातें गजलों को लेकर कही जिन लोगों ने नोट किया है, क्योंकि यह वस्तुतः सेमिनार मात्र सुनने और सुनाने की चीज नहीं है, यहाँ सब सीख करके आगे जा रहे हैं, और हम हर पल जो सीख रहे हैं हमारी समझ को न सिर्फ बढ़ा रहा है, मैं तो हर हफ्ते सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि हमारी जो साहित्यिक आयु है हम लोग की बहुत कम है, और इस कम आयु में हमें जो कुछ जानना है उसके लिए बहुत बड़ा आदर है। कहाँ कहाँ डुबकी लगाएं, कहाँ कहाँ से क्या निकालना है, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे तैराक हो जाते हैं। नंदी साहब क्योंकि हमारे बीच में ही उनकी बातें करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, कि मुँह पर कहते हैं कि हमारी भाई कर रहे थे, ऐसा नहीं है, हमारे बीच के वो ऐसे भाई हैं कि जब भी मुँह कहते हैं तो अपनी कुछ बातें जरूर कहते हैं, तो उस विधा से आलोक रखती है और उस विधा को समझ करके उनका अनुभव होता है। इन सब बातों के साथ आज मैं सुल्तान भाई साहब का, और हमारे एकदम से आत्मीय हैं, जो 3 साल पहले जिनको मैं नाम से जानता था, आवाज़ देता था, आज हमारे घर आंगन के बीच के हैं, आवाज़ भाई साहब को, सुरेंद्र भाई साहब को, और अपने अग्रज अजामिर भाई साहब को। अजामिर भाई को जब मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मेरी उम्र 12 साल की थी, और वो दिन आज का दिन मैं भूलता नहीं हूँ। धर्मी भारती का एक लड़की एक पत्रिका आती थी धर्मी, और आप अवसर उसमें आते थे, मैं पहली बार उनसे यही कहा था कि अजामिर साहब आपके काले बाल मुझे आज भी याद आते हैं, वो तस्वीर
बुद्धि मेरे मन में ऊर्जा के जब काम हो गई है। इन सब शब्दों के साथ ये धन्यवाद ज्ञापन नहीं, मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, यह एक जिम्मेदारी है कि हाँ हमारा अटूट बंधन यूं ही बूंद और रस्से की तरफ बना रहे हैं। मैं आपको कुछ सूचनाएं प्रदान करना चाहता हूँ। कल का जो हमारा आयोजन है उसमें चार सत्र हैं। पहला सत्र उत्तर चर्चा का है, इसमें दो किताबों का लोकार्पण भी हो रहा है और छह किताबों की चर्चा भी इसमें रखी गई है। 11:30 बजे आलोचना के ऊपर एक सत्र है, 2:30 बजे फिल्म अवरोधों बयान के सत्र है और शाम को नशे तरक्की में ये सभी दोनों से हो रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम दो दिन से जो हमारा आयोजन हो रहा है उसमें हम दोनों दिन हर सत्र को आधा घंटा देर से शुरू कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी, पहला दिन था तो हम शुरुआत की, दूसरे दिन हमारा पहला सत्र था, कल ऐसे कोई दिन दोहरा नहीं है। तो हमारी कोशिश हर सत्र होनी चाहिए कि हम 10 बजे से अपने आयोजन को शुरू कर सकें। हमारे सभी सदस्य अतिथि सब हमारे पास हैं और हम आयोजन समय से शुरू कर सकेंगे। और एक कारण और भी समय शुरू करने का कि हमको कल हमारे अधिकतर अतिथि और हमारे सदस्य कल रात में निकल जाएंगे तो रात में बहुत लंबा ना खींचे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे समय से हम समाप्त कर सकें, जिससे हमारा आखिरी का जो सत्र है वो सकुशल संपन्न हो, सब उसको सहभागिता सबके रहे उसमें, ऐसा ना हो कि कशिश चलती रहे और कुछ लोगों को लगे कि हमारे ट्रेन का समय हो गया हम बोर्ड पर जाना पड़े। बस यही बातें आपसे रहनी थी और इसके बाद निवेदन है कि आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, आप लोग चले और भोजन करें और उसके बाद गाड़ी में जरूरी है आप लोग करें। आप सभी लोगों से